एसटीएफ की स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। 12 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। नवादा जिले से सभी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किया गया है, तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और नवादा जिले में ये कार्रवाई हुई है। एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है, 12 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। संवाददाता मरगूब आलम फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब, अहम कामयाबी पुलिस को मिली है और एसटीएफ ने 12 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया, क्या जानकारी है? देखिए मित्र, ये सभी जो अपराधी हैं बहुत ही कुख्यात है। गया नवादा के इलाकों में इनका बड़ा वर्चस्व है और कई गंभीर आईपीसी धाराओं में इनके खिलाफ मामला दर्ज और 12 अपराधी एक साथ गिरफ्तार। इसके टीम को लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। ये सभी एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नवादा में एकत्रित हुए थे। इनके पास से 5 राइफल, 2 पिस्टल, दर्जनों गोलियां, कई मोबाइल बरामद किए गए जिसमें कई महत्वपूर्ण नंबर है, जो उसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें हथियार तस्करों का भी नंबर है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि किन बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे, क्योंकि 12 कुख्यात अपराधी का एक जगह एकत्रित होना, एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली थी कि एक बड़ा कह सकते हैं कि घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधी वहां हैं। उसके बाद एसटीएफ की टीम ने जब वहां पहुंची कह सकते हैं सादिल आवास में, सूचना सही मिली, तत्काल एक स्पेशल टीम को भेजा गया और रेड करके सभी को खिलाफ गिरफ्तार किया गया। हथियार की बरामदगी हो गई है, इनके पास से एक मोबाइल मिले हैं, इसकी जाँच की जा रही है। इन लोगों ने एक बड़ा खुलासा किया है कि कहां कहां ये लोग आने वाले दिनों में अपराध करने वाले थे। उस आधार पर नवादा और गया, क्योंकि इसमें से कई अपराधी ऐसे हैं जो नीम बथानी छक, आपको पता होगा, वहां के रहने वाले हैं, इनके अन्य कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है, क्या इनका कनेक्शन नक्सलियों से है या नहीं है। फिलहाल इस मामले में एसटीएफ और पुलिस की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि हम कामयाबी पुलिस को मिली है और नवादा जिले से सभी कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 12 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, कई अहम सुराग पुलिस को मिले हैं और आगे इस पर और कार्रवाई